असलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आवर लाइफ ऑफ यूना दे चैनल ते। जी आया नो सत बिस्मिल्लाह, अल्लाह तानू खुश रखे, आबाद रखे। इसी छोटी जी प्यारी दुआ नाल वीडियो तो करने आगाज, और वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ जी मैं सुबह के नाश्ते से। सुबह के नाश्ते में आज मैंने बनाई है मक्की की रोटी, साथ में है जी साग, और साथ में है जी लस्सी का गिलास, जो कि मैंने अभी दही से लस्सी बनाई है, जो कि बहुत मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता है। और मक्की की रोटी और साग जो है वो मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा था, तो जो आखिरी वाला साग होता है ना, ये वो वाला साग है, तो मुझे भेजा था। तो आज मैंने कहा चलें जी मक्की की रोटी साथ बनाते हैं, साथ में लस्सी और साथ में जी साग। इसको मैंने तड़क लिया, इसको तड़का लगाया, और साथ में जी मैंने मक्की की रोटी बना ली है, साथ में है जी लस्सी जो कि सबकी फेवरेट होती है गर्मियों के मौसम में। और जी मैं करने लगी हूँ नाश्ता, तो आज आप लोग भी सब मेरे साथ नाश्ता करें। किस किस को मक्की की रोटी पसंद है, और साग तो बस अब एंड है, और जिन लोगों ने फ्रीज़ किया होगा उनके पास होगा, खैर हम लोगों ने तो फ्रीज़ नहीं किया, ना ही करते हैं, और कभी कभार कर लेती थी पहले, और अब नहीं किया क्योंकि साग इस दफ़ा बस जैसे जैसे फ्रेश आता गया वैसे वैसे ही हम लोग बनाते रहे और खाते रहे, तो इतना ज़्यादा साग पसंद भी नहीं करते, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो जी एंड वाला साग और मक्की की रोटी, साथ में है जी लस्सी। तो आ जाए जिस चीज़ को मेरे साथ नाश्ता करना है। अभी मैं बना रही हूँ शाम के खाने में भिंडी। भिंडी को मैं पहले फ्राई करूँगी, फिर प्याज और टमाटर का मसाला बनाऊँगी और फिर से मिक्स कर दूँगी। तो अभी शाम के खाने में भिंडी बन रही है, और मुझसे मिलने आई हैं जो अब्बू जी के घर में जो अम्मा जी होती हैं ना, रहती हैं, तो वो आज मुझसे मिलने आई हैं, हम सब बहनों को मिलने के लिए आई हैं। तो अम्मा जी कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। और आपको घर मिल गया आसानी से? बहुत आसानी मिल गया, आपको छोटा बेटा बेटी लेके आ गए। हाँ, तो अभी ये पहुँच गई थी, तो फिर वहाँ से मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे कॉल की कि अम्मा जी पहुँची हुई हैं, वहाँ पे बैठी हैं, तो आप लोगों का इंतज़ार करिए। फिर मेरा रहमान गया और जाके ले आया, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, मोहब्बत होती है कि वो वहाँ से हम सबको भय मिलने के लिए आई हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बुज़ुर्ग लोग मिलने आए तो ये तो दुआएँ हैं और मोहब्बत है उनकी। तो मैं खाना बना रही हूँ, जब अम्मा जी आई थी तो उस वक्त मैं खाना, उस वक्त तो मैंने जल्दी से खाना बना दिया था उनको, तो सारी चाय वगैरह पी उन्होंने, और अभी नमाज़ पढ़ी है तो भी कर रही हैं, तो फिर मैंने कहा शाम का खाना भी बनाना है, तो हम लोग बैठे गपशप लगाई थी, और अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने बना ली है भिंडी, भिंडी बन गई है, और अब मैं बनाऊँगी रोटी और हम करेंगे इंजॉय। बहुत मज़ेदार भिंडी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और किस किस को पसंद है भिंडी ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलते हैं अभी छत पे और मैं दिखाती हूँ आपको शाम का व्यू। ये देखिए जी बादल आ रहे हैं माशाल्लाह से, और बादल बहुत अच्छे से आए हुए हैं, और शाम का जो व्यू होता है वो तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा होता है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कुछ उदास सा मौसम लगता है मुझे, मेरे व्यू के मुताबिक, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे शाम बहुत उदास हो जाती है इस टाइम पे, मौसम जैसे चेंज हो तो इसी तरह ही लगता है। और वैसे मुझे शाम का जो ये टाइम होता है ना, ये मुझे इंतहा का पसंद है। सर्दियों का मौसम भी शाम में मुझे बहुत पसंद है, और गर्मियों में भी मुझे शाम बहुत पसंद है। तो यही थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें।